जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा द्वारा पीटीसी रोग में जिला स्तरीय विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुरेंद्र वैद ने शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शिविर का उद्देश्य रहा जो है गरीब और असहाय विधिक सेवा प्राधिकरण देगा उसको न्याय। इस अवसर पर प्रदेश पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, उद्योग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई, शिक्षा एवं प्रशिक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, SC/ST कमर्शियल बैंकिंग, जिला आपदा प्रबंधन, खाद्य आपूर्ति और विकास खंड द्वारा लोगों की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी शिविर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव वाली, शरद यादव और ज्योत्सना डटवाल, JCM विवेक शर्मा, अतिरिक्त CGM सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। वहीं शिविर में आए सिहोल गांव की कुसुम लता व गीता देवी का कहना है कि शिविर में उन्हें बहुत सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिली जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। क्या देखने को मिला, क्या सीखने को मिला आज आपको? हमारे को सीखने को मिला, पहले तो पुलिस वालों ने दिया भाषण कि गरीबों की सहायता करो एक दूसरे की, और जो 18 साल से ऊपर है 35 साल तक वो इधर मतलब पूछ सकते हैं नौकरी के बारे में और पशुओं के बारे में, चारा कैसे दिया जाता है दुधारू पशुओं के बारे में, अचार डालने के बारे में, पापड़ वगैरह बनाने के, और क्या हाथ का काम भी है इधर। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के और शिविर आयोजित होने चाहिए? हाँ, औरतें मतलब अपने हाथ पैर हाथों पर खड़ा हो सकती है, पैरों पर खड़ा हो सकती है, और क्या। कहाँ से आए हैं आप? आर्द्रम। क्या देखने को मिला शिविर में, क्या क्या सीखने को मिला? शिविर में बहुत कुछ देखने को मिला और सीखने को मिला। क्या क्या आपको जानकारी मिली यहाँ पे? इसमें जानकारी जैसे अपने शरीर के बारे में दवाइयाँ जितनी मर्जी, फिर स्वस्थ परिवार कल्याण विभाग के बारे में, फिर विकास खंड बेटी के बारे में, फिर जिला ग्रामीण विकास अधिकारी वहाँ से कुछ सीखने को मिला, लगभग मेरे सारे जो शिविर घूमे हैं। अतिथि पुरेंद्र वैद ने कहा कि शिविर के माध्यम से गरीब लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। हमारे सचिव मैडम ने, भैया ने आपको बताया कि मेन उद्देश्य है गरीबों का उत्थान। सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनका इस शिविर के माध्यम से लोगों को जोड़ना है। सरकार के सारे महकमे जो आए हैं, 20 से ज्यादा महकमे आज सरकार के आए हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं। सबसे पहला स्टॉल हमारा जिला साक्षरता जो हमारा प्राधिकरण है, सेवा साक्षरता प्राधिकरण, उसका स्टॉल है। उसमें कानून से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, जो भी हमारी स्कीम है, उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। उसके बाद हमारे पुलिस का बहुत अच्छा स्टॉल लगाया है, पुलिस महकमा किस प्रकार से आम आदमी की सहायता कर सकता है उसके बारे में, बाकी अन्य जितने भी स्टॉल हैं। तो मेन उद्देश्य है ये कि गरीबों के बारे में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों के जो सरकार है लोगों के द्वार आई है, लोगों को अवगत कराया जा रहा है और यहां रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पंजीकरण हो रहा है, ताकि लोग यहीं आकर इसी शिविर में आकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा दहिया ने बताया कि शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण ने गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सहायताओं की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यहाँ पे एक विशाल विधिक सेवा शिविर का आयोजन कर रहा है और ड्रो इसलिए चूज की गई है क्योंकि यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति ज्यादा है। तो आज हमारा जो मेन विषय है, मुख्य विषय है, कोर थीम है, दैट इज पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि गरीबों का उत्थान। तो हमने जितने भी विभाग हैं जहाँ पे गरीबों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लिए हमने सभी विभागों को यहाँ पे इकट्ठा किया है, वो स्टॉल्स लगा रहे हैं और यहाँ पे लोग आएंगे, उनका पंजीकरण भी होगा अगर वो डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, और ये सारा आयोजन ताकि कहीं ना कहीं हम गरीबों की मदद कर सके, इसलिए आयोजन हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू।